रमजान के मसाइल में से एक मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये मसला उठाते हैं, सऊदी के एतबार से हमें रोजा रखना चाहिए, सऊदी के एतबार से हमें ईद मनाना चाहिए। तो इस मसले को आपके सामने मुख्तसर अंदाज में बयान कर दूं। एक हदीस है जो बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूमू लिरुयतिहि वाफ्तिरु लिरुयतिहि, रोजा रखो चांद देखकर और इफ्तार करो चांद देखकर। ये हुक्म रसूल है, यानी चांद पर इन्हिसार है रोजे की इबादत। रोजा जो इबादत है, ये इबादत किससे मरबूत है? चांद से मरबूत। चांद देखेंगे, हमारे इलाके में चांद दिखाई दिया, हम रोजा शुरू कर देंगे। चांद दिखाई दिया रोजा के बाद आखिर में ईद मनाएंगे, इफ्तार का मतलब ईद मनाओ, चांद देखकर ईद मनाओ। तो चांद से मुतालिक हमारी इबादत है। अगर 29वें शाबान का चांद ना तुलू हो तो 30वां मुकम्मल करके रोजा स्टार्ट कर देना। दीन इस्लाम ने ये हमें तरीका बताया है, इसी तरीके पर सदियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आज तक अमल हो रहा है। आज भी लोग इसी तरीके पर अमल कर रहे हैं, हमारे असलाफ इसी तरीके पर अमल कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मदीना वाले पता करते थे देखो मिस्र में चांद निकला कि नहीं, मिस्र वाले पता करते थे देखो मदीना में और मक्का में चांद निकला कि नहीं, उधर इराक वाले, उधर फिलिस्तीन वाले, उधर उर्दून वाले, फला मुल्क वाले पता करते थे उस जमाने में कि देखो सऊदीया में चांद हुआ कि नहीं। आज चूंकि इंटरनेशनल जो है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटरनेट के जरिए और टेलीविजन के जरिए और अखबारात के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए हमें मालूम हो जा रहा है सऊदी अरब में चांद निकल गया, तो ये हल्ला लोग शुरू करने लगे कि सऊदी अरब के एतबार से हमें ईद मनाना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। ये मांग और मुतालबा सही है। चांद देखकर रोजा रखना एक इलाके की जो रूयत है वो मोतबर होगी। एक इलाके में जहां तक चांद नजर आ रहा वो लोग रोजा शुरू करेंगे, जहां चांद नजर नहीं आ रहा वो अपने चांद के एतबार से रोजा रखेंगे। तो दूर दराज ममालिक का जो है दूसरे ममालिक के लिए कोई दलील नहीं बनेगी। तो ये चीज हमारे सामने वाज़े रहनी चाहिए।